नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदिरा कॉलोनी सेक्टर 16 पंचकुला के मर्डर केस में पुलिस चौकी सेक्टर 16 के एसआई सुशील कुमार और उनकी टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। यहां से आरोपियों को अम्बाला जेल में भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सतीश कुमार पुत्र हरपाल निवासी इंदिरा कॉलोनी, सन्नी पुत्र सतीश कुमार और विक्की पुत्र सतीश कुमार निवासी इंदिरा कॉलोनी सेक्टर 17 पंचकुला के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिंकू पुत्र बिंदर निवासी इंदिरा कॉलोनी सेक्टर 16 पंचकुला ने पुलिस चौकी सेक्टर 16 पंचकुला में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो नगर निगम पंचकुला में सफाई का कार्य करता है और 8 जुलाई 2021 को जब वो अपने घर पर था तो शाम 8:30 बजे उसका पड़ोसी सतीश कुमार पुत्र हरपाल सिंह ने शिकायतकर्ता के घर के बाहर गली से उसके पिता की साइकिल को उठाकर उसके पिता के ऊपर मारी और आरोपी सतीश कुमार ने शिकायतकर्ता के पिता के साथ गाड़ी गलौज करना शुरू कर दिया। फिर वो कुछ देर बाद अपने अन्य साथियों को साथ लेकर लाठी डंडे लोहे की रॉडे और चाकू के साथ आ गए और शिकायतकर्ता के पिता से लड़ाई झगड़ा कर शुरू कर दिया फिर जोर से आवाज लगाई कि आज बिंदर को यहीं पर जान से मार दो। तभी उन्होंने चाकू को शिकायतकर्ता के पिता की दाहिनी छाती में मारा और चाकू लगने के बाद शिकायतकर्ता के पिता वहीं जमीन पर गिर गए। फिर उन्होंने शिकायतकर्ता की माता सरोज और विकास को लोहे की रॉड से और माता को सिर में डंडे मारे। तभी इलाज के लिए शिकायतकर्ता के पिता को नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने चेक करने के उपरांत शिकायतकर्ता के पिता को मृत घोषित कर दिया। इस बारे में पुलिस चौकी से सूचना प्राप्त होने पर उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ धारा 148, 149, 323, 302, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए मर्डर करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर अम्बाला जेल भेज दिया गया। पंचकूला से हमारे संवाददाता कपिल नागपाल की रिपोर्ट। आरोपियों को पेश किया था कोर्ट में, क्या रहा? और इनसे हमने जो बरामदगी करनी थी वो इन्होंने करवा दी है और इसके बाद हमने इनको जुडिशियल भेज दिया। तो तीनों को जुडिशियल भेज दिया गया? जी जी बिल्कुल। तो इसमें कोई और आरोपी बचा है अभी? हाँ, अभी और आरोपी हैं जो 2 नामजद हैं, एक महिपाल है और एक मोहित है। उनकी भी हम तलाश कर रहे हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये किस केस में थे सर? ये मर्डर में थे, लड़ाई झगड़े में जो इन्होंने चोटें मारी, जो साइकिल को लेकर के विवाद हुआ था दिनांक 8 जुलाई को, ये वही आरोपी।